Hey guys, this is Rahul Manan and guys, this is day number 7 of our $100 challenge from affiliate marketing. So guys, जैसे कि आपको पता है जो हमारी last video गई है day number 6 का, जिसमें हमने अपनी Facebook ad campaign launch करा था, हमने अपना landing page वे सब रेडी कर लिया था, मैंने आपको दिखाया था, हमने ad चला दी थी and वो बात परसों की हो चुकी है, परसों ad चली थी, मैंने सोचा कि वो ad जल्दी active हो जाएगी, लेकिन उसने active होने में 24 hours ले लिए थे एंड अब उसको करीब 24 घंटे हो गए हैं चलते, यानी एक्चुअली 48 आवर्स हो चुके हैं। इसलिए गाइस, जैसे कि आपको पता है कि डेली वीडियोस नहीं जा सकती इस $100 चैलेंज की, एक आधे दिन ऊपर नीचे हो ही रहा है, सो इसलिए अच्छा है मैंने वो वीडियो पहले ही नहीं डाल दी। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वो लाइव होगी, सो मतलब अच्छे से स्ट्रक्चर गया इस बार मैंने, क्यों अब इन बातों से आपको बोर नहीं करता मैं। सो गाइस, हमें हमारे जो कैंपेन को 24 आवर्स हो चुके हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 3 लिंक क्लिक्स हैं, ये एक्चुअल लिंक मतलब ये टाइम जोन हमारा टाइम जोन नहीं, इंडिया का पैसिफिक टाइम जोन है। सो अगर मैं आपको यस्टरडे के दिखाऊं, मतलब ठीक है यस्टरडे आप देखिए 69 लिंक क्लिक्स हैं, टोटल हमने ₹847 खर्च करे हैं, और मैं अगर टोटल देखूं सो हमने ₹991 खर्च करे 76 लिंक क्लिक्स, यानी 24 आवर्स में हमें 76 लिंक क्लिक्स आए हैं और करीब 800 मतलब हमने ₹1000 खर्च करे हैं, उसमें हमें 80 लिंक क्लिक्स आए हैं। हमारा CPC जो पड़ा है पर लिंक क्लिक ₹13, जो आई थिंक बेस्ट लिंक क्लिक पड़ा है, जो CPC देखा है ये बेस्ट है, जो अंडर ए डॉलर जो CPC है, यानी ₹60 से कम CPC टीयर वन कंट्रीज़ के लिए बेस्ट है गाइस, और ये आई थिंक मुझे बेस्ट CPC मिला है, मैंने इतनी उम्मीद नहीं करी थी कि मुझे इतना अच्छा CPC मिल जाएगा। सो CPC मतलब कॉस्ट पर क्लिक, पे लिंक जैसे यहाँ आ रहा है पर लिंक क्लिक, ठीक है जो कॉस्ट आई है हमारी, तो CPC काफ़ी अच्छा है। अगर मैं यहाँ पे कॉलम्स में बदलूँ थोड़े, सो अगर आप देखेंगे इंप्रेशन में 1800 इंप्रेशन आए, यानी 1000 पे में 1800 लोगों ने हमारी ऐड देखी, अच्छा है। CPM ये हमारा आया ₹540, यानी अराउंड $10, सो ये भी बेस्ट CPM आया है, ठीक है। CPM यानी कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, सो काफ़ी अच्छा CPM है, ठीक है। लिंक लिख जैसे कि पता है 76 है। CTR जैसे कि आप देख सकते हैं 4.15% है, सो ये भी गाइस बेस्ट है, अराउंड 5% बेस्ट रहता है, 2% से नीचे CTR यानी क्लिक थ्रू रेट गाइस काफ़ी कम होता है, 1% से अगर नीचे तो बिल्कुल ही बंद कर दीजिए उस एड सेट को। सो हमारा इधर 4.15% है, आई थिंक बेस्ट है। सो इसके सारे मैट्रिक्स गाइस काफ़ी अच्छे आए हैं, तो आपके मन में सवाल होगा कि 76 क्लिक्स आए सो सेल कितनी आई, सो उस पर भी हम आगे चलते हैं देखते हैं। सो ये हमने कॉलम्स, आप जो सबसे ईजी कॉलम्स हैं आप चाहें तो कॉलम्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। मैं यहाँ सिंपली क्योंकि मुझे ज़्यादा इतने भी मैं चीज़ें देखता हूँ, बस कुछ जो मेन मैट्रिक्स से देखता हूँ, CPC देखता हूँ मैं, CPM देखता हूँ, बस यही चीज़ें देखता हूँ, जो मुझे लीड कॉस्ट पर लीड क्या आ रही है वो यहीं शो हो जाती है, लेकिन हमने लिंक के लिए ऑप्टिमाइज़ करा, सो यहाँ लिंक आ रही है, ठीक है पर लिंक क्लिक। सो हम यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कस्टमाइज कॉलम्स, आप ये सब रिमूव करके अपने हिसाब से यहाँ पर जितने भी हैं वो लगा सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, अब बात करते हैं, ठीक है हमें 76 लिंक क्लिक्स आए, सो अब हमें लीड्स कितनी आई सेल्स का, हम उसके बाद मतलब तीन उसमें हम चेक करेंगे। अच्छा, सबसे पहला लेवल है लिंक क्लिक्स कितने आए, CTR क्या था, ये लेवल है। अच्छा, फर्स्ट लेवल हमारी एड्स ने लाइक पास कर लिया है। मैं आपको बेसिकली अगर आपको अपने पेड कैंपेन्स, अगर आपको मैं एक चेकलिस्ट बताऊँ कि अगर आप कैसे अच्छे और बुरे कैंपेन को जज करेंगे, सो काफ़ी सिंपल है। अगर आपको जैसे कि स्टेज वन है, मैं आपको बताऊं जो मैंने अभी चेक करा, स्टेज वन यानी जो आपकी ऐड है, आपने ऐड चलाई, अब उस पर आप देखें स्टेज वन में ना सेल देखे आप ना लीड्स देखे, सबसे पहले अपने जो फेसबुक पे चला रहे हैं गूगल पे चला रहे हैं, आप आके वहाँ पे देखें कि आपका CPC क्या आ रहा है कॉस्ट पर क्लिक। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया अंडर डॉलर है बेस्ट है, अगर आपका $2 से ज़्यादा है सो वर्स्ट है, ये कुछ मैट्रिक्स है CPC के लिए। CPM के लिए $50 से ज़्यादा है तो वर्स्ट है, $10 से कम है तो बेस्ट है, 20 से भी कम है तो भी बेस्ट है, एंड ये हमारे मैट्रिक्स हैं। सो इसका अगर ये बुरे होते, बुरे होने का कारण क्या होता है, मतलब यानी लिंक क्लिक मान लीजिए आप कि ₹200 लिंक क्लिक आ रहा है, ₹500 लिंक क्लिक आ रहा है, एंड CPM हमारा आ रहा है मतलब ₹5000, सो इसका क्या हो सकता है, क्यों इतना बेकार है, यानी जो आपने ऐड चलाई है वो रेलेवेंट नहीं है, यानी आपकी टारगेटिंग सही नहीं है, जो आपने ऐड चलाई वो लोगों को रेलेवेंट ही नहीं लग रही, उन्हें सही नहीं थे क्या आ गया, क्यों क्लिक करूँ मैं इस पर, वाई नहीं है क्यों क्लिक करूँ, मेरे लिए ऐड क्यों है, मतलब मेरे लिए है ना, सो रेलेवेंट नहीं है। और जो सेकेंड रीज़न है वो है आपकी ऐड ही अच्छी नहीं है, वो इंट्रीग नहीं कर रही, जो यूज़र है जो स्क्रॉल कर रहा है फेसबुक पे या जो यूट्यूब पे वीडियो देख रहा है उसको इंट्रीग नहीं कर रही, क्यूरियोसिटी नहीं, इनफ क्यूरियोसिटी पैदा नहीं कर रही कि वो उस ऐड पे क्लिक करे। सो इस चक्कर में इसका मतलब दो हो सकते हैं कारण, आप देखिए क्या आपकी टारगेटिंग बुरी है या आपकी जो एक्चुअल ऐड है, ऐड क्रिएटिव्स हैं वो बुरे हैं।
सो हमारे यहाँ पे हम चेकलिस्ट कह सकते हैं, ठीक है, चेक पॉइंट स्टेज वन चेकलिस्ट डन, यहाँ पे सब क्लियर है, सब बढ़िया है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। सीपीसी बढ़िया है, सीटीआर, मतलब तीन चार मैट्रिक्स हैं, सीपीसी देख लीजिए, सीटीआर देख लीजिए, सीटीआर अंडर 5%, 1% से कम नहीं होना चाहिए, 2% से भी कम, 2% मार्क रखिए स्टार्टिंग करिए, 2% से कम सीटीआर ना है, अराउंड 5% आए सो बेस्ट है। सीपीसी अंडर डॉलर है, ठीक है, सीपीएम अंडर $20 है, ठीक है, सो ये मैट्रिक्स है। सो हमारा सब में पास हो गया कैंपेन, बहुत बढ़िया है, फर्स्ट टाइम में हो गया, ठीक है। ये हमारी ऐड है, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं प्रीव्यू करूँ तो ये हमारी ऐड है, फ्री वीडियो एक्सपोजर सीक्रेट स्ट्रेटजी, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारी, हमने दो चला रखे हैं कैंपेन्स, एक में हम क्लिक बैंक को टारगेट कर रहे हैं, अफिलिएट नेटवर्क्स को जो वॉर्म में आ रहे हैं, एक में हम अफिलिएट मार्केटिंग इंटरेस्ट को टारगेट कर रहे हैं। अगर मैं एडिट करूं सो मैं आपको दिखा देता हूं, हाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं कुछ भी, जैसे कि आप देख सकते हैं जो टीयर वन कंट्रीज है उन्हीं को टारगेट कर रहा हूं मैं, टारगेटिंग आप देख सकते हैं अफिलिएट मार्केटिंग है, वो सिर्फ न्यूज़ फीड एंड इंस्टाग्राम फीड पर ऐड चल रही है, सो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। वॉर्म में आप देख लीजिए, टारगेटिंग देख लीजिए, ठीक है, ये अफिलिएट नेटवर्क एंड क्लिक बैंक टर्म को टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है, वॉर्म में, और जो यहाँ पे अफिलिएट मार्केटिंग टर्म को टारगेट कर रहा हूँ। सो हमारी, हमारा कैंपेन अच्छा है, यानी जो हमारी ऐड थी वो पास हो चुकी है, जो हमारा कैंपेन पास हो चुका है। अब हम जाते हैं सेकंड पार्ट पे, जो गाइस है एक्चुअल हमारा लैंडिंग पेज, क्योंकि गाइस ऐड के बाद जो यूज़र है वो आपके लैंडिंग पेज पर जाता है। सो हमारे लैंडिंग पेज पर आ जाते हैं, ये हमारा लैंडिंग पेज है, क्लिक बैंक पे हमने अपना लैंडिंग पेज बनाया है, डोमेन आप देख सकते हैं, आप चाहे तो विजिट कर सकते हैं इस लैंडिंग पेज को, affiliate12minutes.com। आप इसके ऐसा डिटो लैंडिंग पेज बना सकते हैं, हेडलाइन भी यही रख सकते हैं अगर प्रोडक्ट ये प्रमोट कर रहे हैं, जैसे मिलता जुलता कोई एक मेक मनी ऑनलाइन का प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। और अफिलिएट मार्केटिंग में ज़्यादातर प्रोडक्ट गाइस जो मेक मनी ऑनलाइन के लिए होते हैं, सो ये लैंडिंग पेज आप कह सकते हैं जेनरिक लैंडिंग पेज है, कई सारे प्रोडक्ट पर ये लैंडिंग पेज काम कर रहा है, सो आप इसको सिंपली कॉपी कर सकते हैं। सो हम देखते हैं स्टैट्स इस लैंडिंग पेज के, सो यहाँ पे 107 लोगों ने इसको विजिट करा है हमारे लैंडिंग पेज को। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो 76 आ रहा था लिंक क्लिक्स, यहाँ पे क्यों? क्योंकि गाइस फेसबुक गाइस जो है हर लिंक क्लिक को ट्रैक नहीं कर पाता है, कुछ लोग दो बार भी विजिट करते हैं, सो मतलब होता है हर बार एक्यूरेट नहीं होते सब, अगर आपको ई कॉमर्स प्रोडक्ट भी प्रमोट करें तो एक्यूरेट परचेस नहीं दिखाएगा, वो थोड़ी ऊपर नीचे होती हैं। सो ऐसा यहाँ पे भी हुआ, थोड़ी सी ऊपर नीचे, वहाँ 76 दिखा लेकिन यहाँ 107 है, 70 यूनिक लिंक क्लिक्स हैं, यानी कुछ लोगों ने दोबारा भी, मतलब यूनिक लिंक क्लिक्स का है मतलब कुछ लोग ना एक ही पर्सन होता है वो दो बार विजिट करता है, सो इस चक्कर में यूनिक लिंक क्लिक्स वो आता है कि अच्छा 70 थे और ऑल में आ रहा है कि 107 थे, मतलब यानी 70 लोग थे एक्चुअल में, लेकिन उनमें से कुछ लोगों ने डबल डबल बार भी हमारे लैंडिंग पेज पे मतलब है तो रिफ्रेश करा है, कुछ करा है, ठीक है, सो यूनिक में आ रहे हैं। और जो हमारा ऑप्टिन रेट आया गाइज वो 35% ऑप्टिन रेट है, सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यानी अगर 100 लोग हमारी वेबसाइट पे आए, सो उनमें से 35 लोगों ने हमको अपनी ईमेल दी है, सो इसका मतलब ये है। अब जो इंडस्ट्री का एवरेज ऑप्टिन रेट है गाइस वो 40-60% है, सो अगर आपका 30% से लेस ऑप्टिन रेट आ रहा है, यानी 100 में से 30 से कम लोग आपको दे रहे हैं, सो वो वर्स्ट है, उसको आप लैंडिंग पेज में कुछ इंप्रूवमेंट कीजिए। यहाँ पे जो हमारा लैंडिंग पेज भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा था उसकी परफॉर्मेंस 60% होती, अगर उसकी 60% होती सो हम कहते हैं अच्छा एकदम परफेक्टली ऑप्टिमाइज है हमारा लैंडिंग पेज, पर ऐसा केस नहीं है, हमारा 35% आ रहा है। लेकिन गाइज अभी इसको 24 आवर्स ही हुए कैंपेन को चले, तो हम जज नहीं कर सकते अभी इसको, क्या पता अभी ये इंप्रूव हो जाए। सो 35% ठीक है, ओके है, एवरेज है, बढ़िया नहीं है, हम इसको अच्छा नहीं कह सकते, या अभी हम आगे की वीडियोज में अपने लैंडिंग पेज को इंप्रूव करेंगे, कुछ चीज़ें इंप्रूव करेंगे, हेडलाइन इंप्रूव करेंगे, कुछ तो करेंगे, ठीक है। सो अब जो सेकंड स्टेज ये है, सेकंड स्टेज में हमारा जो कैंपेन है, जो हमारा मार्केटिंग कैंपेन है 12 मिनट अफिलिएट के लिए, हम कह सकते हैं ठीक है, ओके है, क्योंकि ना ज़्यादातर लोग क्या करते हैं गाइस वो लाइक $100-$200 लगा देते हैं, ठीक है, कैंपेन्स में फेसबुक पे गूगल पे, एंड वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं अरे यार हमने इतने पैसे लगा दिए हमें कुछ रिजल्ट ही नहीं, हमें सेल ही नहीं है, उनका बस एक ही मैट्रिक होता है सेल, वो सिर्फ सेल देखते हैं, $100 लगाए सेल आई नहीं आई, तो इसी हिसाब से अपनी सक्सेस को जज करते हैं, अपने कैंपेन को सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल मानते हैं। लेकिन ऐसा केस नहीं होता, आपको बारीकी में जाना होता है, इन डेप्थ में एनालिटिक्स को देखना होता है, जैसे मैं देख रहा हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको अपना कैंपेन देखना है, फेसबुक एड कैंपेन या गूगल एड कैंपेन, जो कैंपेन आप मार्केटिंग कैंपेन चला रहे हैं वो देखिए, उसके एनालिटिक्स कैसे है, कैसा सीपीसी है, कैसा सीटीआर है, कैसा
CPM आ रहा है। सो ये सारे मैट्रिक्स है, कॉस्ट पर लीड क्या है, कॉस्ट पर अभी हम लीड के लिए ऑप्टिमाइज नहीं करे इसलिए हमें कॉस्ट पर लीड नहीं दिखा रहा है। सो हमें ये सब मैट्रिक्स देखने होते हैं। सो उसके बाद हम देखते हैं, सबसे पहले हमने वहाँ के एनालिटिक्स देखे, क्योंकि अगर वहीं दिक्कत है, आपकी एड में दिक्कत है, अगर आपको पता ही नहीं है दिक्कत कहाँ है, जैसे कि एक डॉक्टर होता है वो मरीज को देखता है, टेस्ट करता है, चीज़ें करता है, ठीक है, पता चलता है अच्छा यहाँ दिक्कत है, फिर उस चीज़ की दवाई देता है, ठीक है, ऐसा तो नहीं कुछ भी जनरल दवाई दे देता है ना। सो ऐसे हमें भी अपने कैंपेन में, जो हमने कैंपेन चलाया पूरा मार्केटिंग कैंपेन, जो लैंडिंग पेज बनाया, जो प्रोडक्ट चुना, हमें देखना होता है कहाँ दिक्कत है, ऐसे आप जज नहीं कर सकते। सो हम यही कर रहे हैं, हम डायग्नोज कर रहे हैं कहाँ दिक्कत है, यह सब अच्छा चल रहा है, हम सिर्फ चेक कर रहे हैं, चेकलिस्ट है आप कह सकते हो उसे, हम चेक कर रहे हैं सब कुछ। सो यहाँ पे हमारा लैंडिंग पेज भी डन है। अगर आपका कैंपेन ही, अगर मान लीजिए आपने देखा, आप जैसे आप डायग्नोज कर रहे हैं ऐसे, आपने देखा अच्छा आपकी, तो आपका CPC बहुत ज़्यादा है, आपका CPM बहुत ज़्यादा है, आपका CTR बहुत कम है, सो आप क्या करेंगे, आप ऐड को इम्प्रूव करेंगे, आप टारगेटिंग को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। आपने कहा अच्छा मेरा CPC अच्छा है, मेरा लैंडिंग पेज में दिक्कत है, 20% ऑप्टन रेट आ रहा है, सो आप क्या करेंगे, आप लैंडिंग पेज को इम्प्रूव करेंगे। और भी थर्ड स्टेज आती है, ठीक है, आपका एड कैंपेन भी ठीक है, आपका लैंडिंग पेज भी ठीक है, सो अब कहाँ दिक्कत है, हम देखते हैं सेल्स। अगर सब कुछ अच्छा था तो सेल्स हाई होनी चाहिए। अब हम जाते हैं हमारे क्लिक बैंक के डैशबोर्ड पे और अब देखते हैं सेल आई नहीं है, क्योंकि हमारा सब कुछ अच्छा है, हमारी फेसबुक एड कैंपेन ने अच्छा परफॉर्म करा है, हमारे लैंडिंग पेज ने एवरेज परफॉर्म करा है, हम उसको इम्प्रूव करेंगे। अभी हम क्योंकि 24 आवर्स ही हुए हैं, सो इसलिए हम उसको जज नहीं कर सकते, एक्चुअली उसको 48 आवर्स से लाइक 72 आवर्स हो जाए जब हम उसको जज करेंगे, ठीक है, उसको ऑप्टन रेट क्या है। सो हम यहाँ आ चुके हैं, ठीक है, अब हम अपने डैशबोर्ड पर आ गए, रिफ्रेश करता हूँ। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई सेल नहीं है, सो अच्छे समाचार नहीं है, यहाँ पे सेल नहीं आई है। सो देखते हैं क्या दिक्कत है, हम रिपोर्टिंग में जाते हैं, यहाँ भी हम थोड़ा एनालिटिक्स में जा सकते हैं, रिपोर्टिंग में देखते हैं। जैसे कि आप रिपोर्टिंग में देख सकते हो हमारे लिंक क्लिक्स आए हैं ऐसे होप्स, क्योंकि यहाँ क्लिक बैंक में लिंक क्लिक्स को होप्स बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप एनालिटिक्स देख सकते हो, 30 लिंक क्लिक्स आए हैं, यानी वहाँ पे करीब 70 लोग आए हमारे लैंडिंग पेज पर, 70 में से 30 लोगों ने हमारे जो 12 मिनट अफिलिएट के लैंडिंग पेज पर आए, वो उन्होंने देखी वीडियो देखी, उनमें से एक ने ऑर्डर फॉर्म पे आई थिंक इनिशिएट चेकआउट करा, जिसको आप कह सकते हो, लेकिन परचेस किसी ने नहीं करी है, ख़रीदा भी किसी ने भी नहीं है। जैसे कि आप इनिशियल सेल काउंट कैसे देख सकते हो, सेल अमाउंट देख सकते हो यहाँ पे, सो अभी ख़रीदा किसी ने भी नहीं है। एंड मैं यहाँ पे ज़्यादा क्लिक बैंक के एनालिटिक पे नहीं देखता, मैं ज़्यादातर इसी पे देखता हूँ यहाँ पे कैसा चल रहा है। सो यहाँ पे कोई सेल नहीं है, सो हम क्या कर सकते हैं। अब आप जो बिगेनर होंगे, न्यू भी होंगे, वो कहेंगे यार हमने 1000 रुपये लगाए, हमारा कुछ भी नहीं हुआ, बंद करो। या कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने 1000 रुपये लगाए, उन्होंने बस लगाते ही गए, उन्होंने कुछ देखा ही नहीं, ना उन्होंने अपने CPC देखा, जो एनालिटिक्स होते हैं ना, फेसबुक एड कैंपेन के एनालिटिक्स देखे, ना लैंडिंग पेज के एनालिटिक्स देखे, ना क्लिक बैंक के एनालिटिक्स देखे, वो पैसे लगाए जा रहे हैं। सो आपको दोनों तरीके का ही नहीं बनना है। आपने अगर पैसे लगा रहे हो, सो ऐसा नहीं आपको लगाए जाने बिना एनालिटिक्स देखे, बस आप भगवान भरोसे की सेल आ जाएगी, ऐसा भी नहीं करना आपको, ऐसा भी नहीं बनना। और आपको ऐसा भी नहीं बनना कि आपने लाइक 100 रुपये लगाए और आप एनालिटिक्स देखे, अच्छा आपको 2 घंटे हुए आपके कैंपेन को लाइव हुए हुए और आपने ऐड बंद कर दिया, अरे यार मेरे को सेल नहीं, आपने बंद कर दिया, ऐसा भी नहीं बनना आपको। सो पेशेंस जरूरी है, थोड़ा बिजनेस है, आपको पैसा थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं आपने आज पैसे लगा आज कल ही आपको सेल आ जाएगी, हो सकता है आज आती लेकिन नहीं आई है। सो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा हमने सब कुछ चेक करा है स्टार्टिंग से, हमारी एड अच्छी है, टारगेटिंग अच्छी है, ठीक है, हमारा लैंडिंग पेज भी अच्छा है, एंड जो प्रोडक्ट है वो भी काफ़ी बिक रहा है, हमने चेक करा है क्लिक बैंक पे, ग्रेविटी काफ़ी अच्छी है, ठीक है, सो वो भी काफ़ी अच्छा है प्रोडक्ट। सो इसका मतलब है हमें इस कैंपेन को थोड़ा सा टाइम देना होगा, क्योंकि हमारा एड अकाउंट नया है, पिक्सल नया, उसमें डाटा नहीं है, वो अभी हमारा जो एड है वो क्या कर रहा है, जो फेसबुक वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, जो फेसबुक का एल्गोरिदम है वो अलग अलग सेगमेंट को, जो इन अफिलिएट मार्केटिंग को हमने टारगेट करा है, टर्म को क्लिक बैंक टर्म और अफिलिएट नेटवर्क टर्म को हमने टारगेट करा है, वो इनमें जिनमें ऑडियंस है उनको अलग अलग सेगमेंट्स को टारगेट कर रहा है, वो भी वो देख रहा है कौन सा सेगमेंट अच्छा परफॉर्म करता है, फिर वो हमारी एड्स को उस हिसाब से ऑप्टिमाइज करेगा। सो अभी हमें इसको करीब मिनिमम है 48 आवर्स देने होंगे। अगर हाँ, अगर क्या होता, हम 24 आवर्स हुए हैं, अगर यहाँ पे मान लीजिए CPC बहुत ज़्यादा होता, लाइक $3 आ रहा, मान लो 150-200 रुपये आ रहा होता, CPM मान लीजिए 2,500-3,000 रुपये आ रहा होता, या क्लिक थ्रू रेट 1% से कम आ रहा होता, सो मैं 72 आवर्स का टाइम नहीं देता, मैं अभी कुछ ना कुछ चेंज कर देता, ऐड बदलता है, टारगेटिंग बदलता, कुछ ना कुछ चेंज करता, लेकिन यहाँ पे सब सही है। सो हमें इसको टाइम देना होगा। और फिर अगर मान लीजिए मैं लैंडिंग पेज पे देखता हूँ, लैंडिंग पेज से मुझे कोई दिक्कत दिखती, सो मैं लैंडिंग पेज इंप्रूव करता, वेट नहीं करता 72 आवर्स का, लेकिन यहाँ पे मुझे पता है सारे एनालिटिक्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, सो 72 आवर्स यानी 3 दिन में अगर जब भी नहीं आए, सो मैं अज्यूम कर लूँगा कि जो हमारा प्रोडक्ट है 12 मिनट अफिलिएट, वो मैं नहीं प्रमोट कर पा रहा हूँ, मेरी जो मार्केटिंग खराब है, या तो
भले मुझे अच्छे स्टैट्स दिखने सब अच्छा, लेकिन लोग ही इंटरेस्टेड नहीं है खरीदने में, प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है वो। सो मैं ज़ूम कर लूँगा, बंद कर दूंगा इसको प्रमोट करना, दूसरे प्रोडक्ट पे मैं मूव करूँगा। सो ये हमारी स्ट्रेटजी होने वाली है और यही आपको भी फॉलो करनी चाहिए। हो सकता है गाइस जो हम प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो आप क्लिकबैंक पे, वो सैचुरेटेड हो चुका है, मार्केट ने देख लिया है, वो खरीद लिया है काफ़ी लोगों ने, वो नहीं बिक रहा, कन्वर्जन रेट अच्छा नहीं आ रहा, भले आपकी मार्केटिंग अच्छी लेकिन प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है, सब अच्छा करा आपने जब भी नहीं बिका, सो आपको मूव कर जाए सेकेंड प्रोडक्ट पे, ठीक है, नई ऐड बनाइए। सो यही है एफिलिएट मार्केटिंग, पहली बार में सक्सेस नहीं मिलेगी, अभी हम कल देखते हैं, फिर परसों देखेंगे, वरना दूसरे प्रोडक्ट पे मूव करेंगे। सो देखते हैं, जहाँ तक मुझे है कि कल सेल आ जाएगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है आज ही आ जानी चाहिए थी, लेकिन कल आ जाएगी, क्योंकि हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमारा जो कैंपेन है वो काफ़ी अच्छा है, जो लैंडिंग पेज भी अच्छा है, सो कल सेल आ जानी चाहिए, वरना परसों तो देखते हैं अभी कैसा चल रहा है, अब कल बात करेंगे, कल मिलते हैं गाइस, देखते हैं कैसा हुआ, सेल आई या नहीं आई। कल काफ़ी अमेजिंग दिन होने वाला है, क्योंकि कल हमारे करीब 2000 रुपये स्पेंड हो जाएंगे, ठीक है, हमारे कैंपेन पे, एंड जो एवरेज पर्सन इंडिया में आई थिंक इतना ही अफोर्ड कर सकता है, 2 से 3 हज़ार। सो कल भी रिजल्ट नहीं आए, सो देखते हैं मतलब क्या होगा, मतलब मुझे भी मज़ा आ रहा है देखने में कि अच्छा सेल नहीं है, कल आएगी नहीं आएगी, ठीक है, सो देखते हैं क्या करेंगे, कल की बात कल करते हैं। एंड गाइस, सो जो भी मैंने आपको फंडामेंटल्स बताए हैं कैसे आप जज करें एक सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल कैंपेन को, वो इसी तरीके से करें, देखें आप सबसे पहले कि क्या आपकी ऐड अच्छी है, क्या रेलेवेंट है, ठीक है, क्या लोग क्लिक कर रहे हैं, कितना क्लिक थ्रू रेट है, कितने परसेंट लोग क्लिक कर रहे हैं ना, उसे क्लिक थ्रू रेट कहते हैं, कितने परसेंट लोग क्लिक कर रहे हैं, कोस्ट पर 1000 इंप्रेशन क्या है, ये सब देखिए, जैसे कि मैंने आपको पूरा बता दिया, ठीक है, देखिए जब अच्छा आपको लगे ये ठीक है तो फिर नेक्स्ट मूव कीजिए, आपको लगे ये ठीक नहीं है सो इसको पहले ठीक कीजिए, फिर दूसरे पे जाए, फिर देखिए लैंडिंग पेज भी ठीक नहीं है, ठीक है, फिर ठीक है तो प्रोडक्ट देखिए अच्छा सेल आई या नहीं आई, ठीक है, ऐसा नहीं सबसे पहले सेल्स पे जाएगा अच्छा सेल आई नहीं आई, ये सेल्स तो आउटकम है, अगर आपका ये दो चीज़ें अच्छी हैं, आपकी ऐड अच्छी है और आपका लैंडिंग पेज अच्छा है, सो सेल लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, सेल आने से सिर्फ वो प्रोडक्ट ही रोक सकता है, प्रोडक्ट ही सैचुरेटेड हो चुका होगा, ठीक है, या कई इंटरनल चीज़ें भी होती हैं, ठीक है, कई फैक्टर्स और होते हैं, सो और बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, जो बेसिक जो है वो यही है जो मैंने आपको बताया, वो मैं इसी तरीके से ये गेम खेलता हूँ, बिजनेस एक गेम है और आपको इसका खिलाड़ी बनना है, मैं भी इसका प्रो खिलाड़ी नहीं हूँ लेकिन पूरे उसके प्रोसेस में हूँ बनने के। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, मिलते हैं अगली वीडियो में।